अभी इनके केस में यही है कि मनीष कश्यप अब बिहार में ही रहेंगे और यदि तमिलनाडु पुलिस को यदि जरूरत होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो सुनवाई करेंगे। जज साहब का क्लियर कहना हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ कि चूंकि वो बिहार के हैं और उस सारे केस में इनको बेल वहां पर मिल चुका है तो तमिलनाडु भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। और अभी इनके लिए बहुत राहत भरी खबर थी चूंकि वो तमिलनाडु में वहाँ का खाने पीने का सारा चीज कल्चर का होता है तो इनके लिए समझिए काला पानी की सजा जैसी थी। ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय में इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर ये है कि अब इनको बिहार में ही रखा जाएगा। कितने दिन तक अभी वो बनेगा? जब तक अब केस है इनका, जब तक केस नहीं होता है तब तक वो बिहार से पटना में रहेंगे। लेकिन उनके जो भी समर्थक हैं उनको ये समझना चाहिएगा कि प्रशासनिक कारणों से यदि वो हंगामा नाराबाजी करते हैं तो प्रशासनिक कारणों से इनको यहाँ से भेज देगा, यदि प्रशासन के हाथ में चला जाएगा तो इसीलिए उनके समर्थकों को बहुत ज़्यादा उन्मादी नहीं होना है। आपको याद होगा साहब उस दिन तो बेल जब हुआ था और काफिला देखे ही उनको यहाँ से भेज दिया गया तो प्रशासनिक कारणों का बहुत सारा होता है तो इनके समर्थकों को बहुत अभी संयम बरतने की जरूरत है। अभी बेल के लिए आवेदन करना है। अभी जो इनके ऊपर संकट था कि इनको फिलहाल यही देखना था कि ये यहाँ पर पटना में रहते हैं कि नहीं, तो अभी एक लाइन में आर्गूमेंट में यही कहा गया कि उनके सारे केसेस में वहाँ पर बेल मिल चुके हैं और यहाँ का जो मामला है वो अब यहीं पर लंबित है। डे बाय डे इनकी सुनवाई में यदि कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन की भी बात होती है तो इसी बिंदु पर सारे बात। और उसमें एक और युवराज सिंह जिनको भी आज 18 दिन से यहाँ प्रस्तुत किया गया उनको भी अब वहीं पर भेजा जा रहा है। यही फिलहाल अभी सारे केसेस में इनको जो है सो लेके अब सुनवाई नहीं हुई। अभी ये किस मुद्दे पर था, लोगों के इनके समर्थकों को चिंता इस बात की थी कि क्या इनको पटना में रखा जाएगा या बिहार से बाहर भेजने की तमिलनाडु वाली खतरा है, तो वो संकट अभी चल चुका है। माननीय न्यायालय इस बात को स्वीकार करते हुए कि नहीं, जब तक मैं हूँ अभी उनको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यदि तमिलनाडु पुलिस कोई मांग करती है तो वो उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही बात होगा। वालों को कर दिया है कुल्हाड़ी से, मेरे हाथ तमिलनाडु का स्टालिन मुख्यमंत्री को मैं चैलेंज करता हूँ, तू मेरे को भेट किया नहीं कर ले तेरे को फाड़ दूंगा, गिर दूंगा दे मर्द है मर्द स्टालिन के दस भी होश में आओ, होश में आओ, प्यार बदलेंगे अभी औकात दिखा देंगे कि प्यार का औकात क्या है। तू समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा नेता है, कुछ नहीं है, ये है मेरा घंटा बोला। सुनो सुनो भाई सुनो, एक मिनट और सवाल है मेरा, एनएसए क्यों लगाया जाता है? एनएसए तब लगाया जाता है देशद्रोही होता है, मनीष कश्यप का देशद्रोही है, बोलिए जाके दिखा रहे हैं यहाँ अभी बैटरी खराब दे देगा इसका मोटरसाइकिल का, वो अभी नहीं दिखाएंगे यहाँ कर लाए में गुंडागर्दी होगा नहीं दिखाएंगे। पुलिस खुलाया मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है, इसका कौन जवाबदेही है? ये दसवीं आदा कभी आदा लाठीचार्ज करवा रहे हैं, हम लोगों का मर्डर करवा रहे हैं, बिहार को जंगल राज बना दिया है, बिहार को जंगल राज बना दिया है। हम कहता हूँ डेली मर्डर हो रहा है, डेली मर्डर हो रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है, कहाँ नहीं मर्डर हो रहा है? पावर नहीं है तेजस्वी को, तू बड़ा नोमा फेल है रे तेजस्वी, तू नोमा फेल है, तू नोमा फेल है, तेरे को कुछ नहीं आता। आई एम बिहारी, आई एम सुपरमैन, आई एम ऑल इंडिया ऑल फ्रेंड। तुम बिहारी बता रहे हो, आए हो गुजरात से, कैसे बिहारी हो? मैं गुजरात में काम करता हूँ, मेरा